जिंदगी यूं गले आ लगी है, आ लगी है, कोई खोया हुआ बरसों के बाद आ गया। ओ फीके फीके थे दिन रात मेरे साथ मेरे, छुआ तूने तो जीने का स्वाद आ गया। एक तरह के आवारा थे, एक तरह की आवारगी, दीवाने तो पहले भी थे अब और तरह की दीवानगी। सजदे बिछावा मैं गली गली, ओ गली गली, ओ गली गली, जिस शहर सबके लिए बस सर्विस करता है, इस बार बस सर्विस होगा तेरे लिए। आपको कैसे लगती है ये जस्ट फ्रेंड्स की जोड़ी? जोड़ी में दोनों को बहुत अच्छा लगता है दिखने में। लेकिन ये तो अपने आप को जस्ट फ्रेंड्स बुलाते हैं। अभी तो जस्ट फ्रेंड है, पता नहीं मेरे को अभी वो लोग क्या। और मैं कुछ कहना चाहता हूँ, तो जब दिल्ली में था सुष्मिता, तो नोरबू भी दो साल उधर में बैठा है, तो नोरबू का केयर करने वाला कोई भी नहीं था उधर में, तो सुष्मिता ने साथ दिया, केयर किया, तो दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गया, दोनों एक साथ में डांस किया, तो सुष्मिता ने पूरा नोरबू का साथ दिया, उसके लिए सुष्मिता का धन्यवाद। सुष्मिता के लिए मैं छोटा सा गिफ्ट देना चाहिए। प्लीज बताइए हमें भी क्या है ये। हम लोग का है 32 लोग पहनता है अपना ड्रेस, ट्रेडिशनल ड्रेस, ट्रेडिशनल ड्रेस। नाइस, सो ब्यूटीफुल, बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। आप, मैं भी चाहता था एक कभी पहने ये ट्रेडिशनल ड्रेस, तो कभी नहीं पहन पाया। ये ज़्यादा बहुत खुशी है कि मम्मी के हाथ से फर्स्ट टाइम सुष्मिता आपने ड्रेस पहनी। ऑलराइट देन, थैंक यू सो मच आंटी यहाँ पर आने के लिए, एंड थैंक यू सो मच नूरबू, एंड थैंक यू सो मच सुष्मिता। कोरियोग्राफर्स के भीष्म पितामह, हमारे बुजुर्ग वैभव को मंच पर बुलाने की, तो मैं चाहूंगा उनके लिए जोरदार ताला हो जाए। पहली बार इधर बैठ के ऐसा अलग ही फील होता है। वहां से एक्ट कैसा लगा वैभव? एक्ट तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, क्योंकि शिवम बहुत क्लीन परफॉर्मर है, और मैं इतना प्राउड फील करता हूँ, क्योंकि कभी कभी खुद को बहुत सेल्फिश कहता हूँ। आईबीडी 2 के लिए इसको आना था, और मैंने इसको रोक के रखा था कि तू मत जा, तू मुझे चाहिए, मेरे काम के लिए चाहिए, मेरे करियर के लिए चाहिए, मेरे कोरियोग्राफीज के लिए चाहिए। पर इस बार मैंने उसको नहीं रोका कि तू जा, क्योंकि मैं चाहता था कि तू जाके दिखाए कि बॉलीवुड भी कितना डिफिकल्ट है।
So India, 1-on-1-11 challenge mein presenting court mein lawyer, manch pe destroyer, Kolkata West Bengal se Boogie LLB aur inki choreographer Soumya Kamle. Kya baat hai Boogie? आपसे जानना चाहूंगा कि आपके जिंदगी में कोई ऐसा है जब आप दोनों मिलते हैं तो एक और एक दो नहीं बल्कि 11 होते हैं? हाँ, मेरा जिंदगी में बहुत ही बड़ा एक पिलर है एंड वो पिलर है मेरा मम्मी, क्योंकि मेरा मम्मी मेरे को बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है. जब मैं अंडरग्राउंड बैटल्स भी करता था तब भी मम्मी हम ना समझ के भी मेरे को सपोर्ट करता था. एंड अभी इवन राइट नाउ जब IBD चल रहा है, सबका स्कोर्स टैली करना, सबका देख रहा कि मैं कंपटीशन में कहाँ हूँ, सब कुछ मम्मी करता है. तो मम्मी भी स्कोर्स देती है आपको? मम्मी भी फीडबैक स्कोर्स मम्मी भी देती है. हम पे नाराज होती हैं अगर हमने अच्छा स्कोर नहीं दिया तो? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. मम्मी उल्टा समझाती है क्यों मिला उतना कम. वो तू ही मेरे पास माँ, जन्म जन्म वो तू ही जमी आसमान, जन्म जन्म वो तू ही जमी आसमान, ये है खबर दिल में कहीं रब रहता. लेकिन जैसे माँ ने हक किया, आपने इंट्रोड्यूस नहीं कराया इनसे जो आई हैं. मेरा दीदी है जो कि अभी भी एडवोकेट बन चुका है. एंड मम्मी है जो कि एक एकेडमिक लॉयर है, प्रोफेसर है. ओह, मतलब घर में बहस होती है तो मतलब वहाँ से भाग जाना चाहिए ना? बिल्कुल भाग जाना. तीन लॉयर है घर में. No one can argue in that house. नहीं जी, आपने भी कभी कुछ डांस करा? हाँ हाँ, हम लोग तो बहुत दफे हम लोग एक साथ कुछ ना कुछ करते रहे थे. सुपर, एक एक नजारा मिल जाए. अरे वाह, अरे वाह 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 वाह, ये कीना बात. अरे लाती है कायामत.
Presenting Apeksha Londe. What a song, what a song. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.